हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 65 बना रहे हैं, जिसमें हम हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड की सीरीज़ का पार्ट 9 बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम चार्जिंग आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरह से हम फ़ोन में चार्जिंग आईसी को पहचान सकते हैं और चार्जिंग आईसी किस तरह से हमारे फ़ोन में वर्क करती है हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसको हम डीपली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड में हम इससे पहले लगभग मोबाइल के सभी मेन आईसीज को समझ चुके हैं और उन्हें किस तरह से पहचान सकते हैं उसकी भी जानकारी हम दे चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम चार्जिंग आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं, चार्जिंग आईसी किस तरह से काम करती है, इसे हम फ़ोन में किस तरह पहचान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ फ़ोन्स को देखेंगे, ओल्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन जितने भी जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम कुछ चार्जिंग सर्किट्स और चार्जिंग आईसीज को देख लेते हैं, फ़ोन में किस तरह से पहले के फ़ोन में चार्जिंग आईसीज आती थी और अभी के जो लेटेस्ट फ़ोन हैं उनमें किस तरह के चार्जिंग सर्किट होता है या चार्जिंग आईसी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक फ़ोन को देख लेते हैं ताकि हम चार्जिंग सर्किट को समझ सकें कि किस तरह से वर्क करता है। आपके सामने यहाँ पर नोकिया 3310 का पीसीबी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर चार्जिंग आईसी है जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर नोकिया 6233 का पीसीबी आप देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर चार्जिंग आईसी है। पहले के जितने नोकिया के फ़ोन आया करते थे उनमें चार्जिंग आईसी को टैबो आईसी कहा जाता था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है CHN चार्जिंग और TAHVO, तो इसे टैबो आईसी कहते थे और चार्जिंग आईसी भी कहते थे। तो इस तरह के बहुत से फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी अलग नाम से भी आती थी, लेकिन वो बेसिकली चार्जिंग के लिए ही हुआ करती थी। अब जैसे आप यहाँ पर जो पीसीबी देख रहे हैं ये नोकिया 1100 फ़ोन की है, 1100 हैंडसेट की है, इसमें चार्जिंग आईसी नहीं आया करती थी। चार्जिंग सॉकेट के जो पिन हुआ करते थे वहाँ से एक फ्यूज कॉइल डाइवर्ट से होकर के डायरेक्टली पावर आईसी के अंदर ही जो है वोल्टेजेस चले जाया करते थे, तो यही पावर आईसी चार्जिंग के लिए भी काम करती थी और यहाँ पर इस R22 रेजिस्टेंस के थ्रू चार्जिंग के वोल्टेज जो है बैटरी कनेक्टर पर आउट हो जाया करते थे। तो कुछ फ़ोन पहले ऐसे भी आया करते थे जिनमें चार्जिंग आईसी नहीं होती थी, पावर आईसी ही चार्जिंग के लिए वर्क करती थी। देखिए जैसे यहाँ पर आपके सामने नोकिया का 1600 हैंडसेट है, 1600, इस हैंडसेट के अंदर भी पावर आईसी से ही चार्जिंग होती थी, तो इस फ़ोन के अंदर भी चार्जिंग आईसी नहीं आती थी और पावर आईसी ही चार्जिंग का वर्क करती थी। अभी जैसे कि आप यहाँ पर नोकिया का हैंडसेट देख रहे हैं 1100 नोकिया 100, तो इसके अंदर इस तरह से ट्रांजिस्टर और कुछ सर्किट के थ्रू जो है चार्जिंग फ़ोन में की जाती थी और इसकी कंट्रोलिंग भी CPU से की जाती थी। इस फ़ोन के अंदर पावर आईसी नहीं आती थी, यहाँ पर जो CPU है वही इसके अंदर पावर आईसी का भी काम करता है, तो इसमें चार्जिंग के लिए बस इस तरह से ट्रांजिस्टर और कुछ सर्किट से चार्जिंग बैटरी की जाती थी। एक और मॉडल आप देख सकते हैं ये नोकिया का C101 है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस फ़ोन के अंदर पावर आईसी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पर लाइट सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मेमोरी आईसी और CPU है और चार्जिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से सर्किट है। तो इस तरह से ही इस छोटे सर्किट से ही फ़ोन के अंदर चार्जिंग का काम हो जाया करता था, क्योंकि पहले के जो फ़ोन आते थे उसमें बैटरी 3 पॉइंट की आया करती थी, जिसमें बैटरी पॉजिटिव, नेगेटिव और BSI पॉइंट होता था। इतना सर्किट नहीं होता था जितना भी अभी के फ़ोन में है। और जितने भी जो स्टार्टिंग में चाइना के कीपैड वाले या टच वाले फ़ोन आया करते थे उनमें इस तरह के कुछ आईसीज जैसे PT116, जिस समय मोबाइल की स्टार्टिंग में चाइना के फ़ोन आया करते थे हमने कुछ तरह सॉल्यूशन बहुत टाइम पहले भी दिया था। जैसे जो आप अभी यहाँ पर ग्राफिक देख रहे हैं, ये ग्राफिक मैंने चार्जिंग का डिज़ाइन किया था लगभग 2010 में मैंने ये ग्राफिक डिज़ाइन किया था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल सर्किट से ही चार्जिंग हो जाया करती थी, तो यही आईसी जो होती थी एक नॉर्मल, इसके अंदर वोल्टेज इनपुट और आउटपुट होता था और CPU के थ्रू चार्जिंग को जो है कंट्रोल किया जाता था कि बैटरी चार्ज होने के बाद में इसे स्टॉप कर दिया जाता था, ताकि नॉर्मल सर्किट से पहले चार्जिंग हो जाया करती थी। ये देखिए इस तरह की 8 लेग आईसी भी आया करती थी। देखिए इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत टाइम पहले हमने बनाए थे। देखिए एक और आईसी इसमें, जैसा कि हमने बताया है कि मोस्टली इन स्प्रेडम CPU वाले फ़ोन के अंदर इस तरह की 6 लेग चार्जिंग आईसी आया करती थी। इस तरह से चार्जिंग का इनपुट और आउटपुट और एक जो कंट्रोलिंग CPU के थ्रू होती थी चार्जिंग स्टॉप करने के लिए, इस तरह से चार्जिंग का वर्क होता था।
लेकिन अभी के जितने लेटेस्ट फ़ोन है उसका चार्जिंग जो ब्लॉक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारी बैटरी है, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है। देखिए चार्जिंग सॉकेट हमने यहाँ पर शो नहीं किया क्योंकि चार्जिंग सॉकेट अलग अलग होते हैं। चाइना के फ़ोन में भी बहुत सारे चार्जिंग के कनेक्टर आया करते हैं, लेकिन हम आज की बात करें तो तीन सबसे ज़्यादा हमें कनेक्टर देखने को मिलते हैं। एक हमारा जो 5 पॉइंट वाला जो होता है, जो बेसिकली एंड्रॉयड में सबसे ज़्यादा आता है, V8 चार्जर। उसके बाद में भी एक सी टाइप भी आता है और इसके अलावा आईफोन का आता है। लेकिन अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें और चार्जिंग के पूरे सिस्टम की बात करें तो लगभग अभी जितने लेटेस्ट फ़ोन हैं उन सभी के अंदर कुछ इस तरह से ही चार्जिंग का काम होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बैटरी है, ये हमारा चार्जिंग आईसी है, यहाँ पर हमारा चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है, और यहाँ पर जो कुछ सर्किट हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं जिसमें चार्जिंग कंट्रोल आईसी, फ्यूज गैस आईसी, BSI या कंट्रोलिंग आईसी चार्जिंग से रिलेटेड, और उसके बाद में CPU। तो इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम, एक बेसिक चार्जिंग का जो कंसेप्ट होता है वो हम आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो चार्जिंग सॉकेट चाहे आपका सी टाइप हो या V8 हो या और कोई सॉकेट हो, चार्जिंग सॉकेट से इस तरह से देखिए वोल्टेज आते हैं। कुछ फ़ोन के अंदर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है और कुछ में नहीं भी होती है। तो जिन भी फ़ोन के अंदर अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है तो जस्ट चार्जिंग सॉकेट के बाद में ही आपको वो आईसी देखने को मिलेगी, और जिन भी फ़ोन में अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं होते हैं तो चार्जिंग सॉकेट से डायरेक्टली जो वोल्टेज है ये चार्जिंग आईसी में चले जाते हैं। और कुछ फ़ोन के अंदर DC to DC आईसी भी आती है जो VPS लाइन इनपुट और आउटपुट भी करती है, मतलब VPS लाइन जो बैटरी से वोल्टेजेस आते हैं उसे और जो हमारे USB से वोल्टेजेस आते हैं उनको भी इनपुट करती है और आउटपुट फिर VPH के फॉर्म में जो है बाहर निकाल देती है वोल्टेज। तो इस तरह से और भी कुछ सर्किट्स आते हैं, लेकिन अगर DC to DC IC भी अगर होती है बीच में तो वो भी चार्जिंग IC का ही काम करती है और साथ में VPH भी आउटपुट निकालती है। लेकिन चार्जिंग का मेन कंट्रोल जो वोल्टेज आउटपुट जो होता है वो DC to DC IC या चार्जिंग IC के फॉर्म में भी होता है। लेकिन इसके बाद में भी बहुत से सर्किट्स और बीच में होते हैं, जैसे कि किसी में फ्यूल गेज आईसी होती है, किसी में चार्जिंग कंट्रोल का कुछ सर्किट अलग होता है, या बहुत से फ़ोन जैसे जिनमें PMI होता है तो उसमें PMI इस तरह का पूरा काम करती है। BSI जो बैटरी टेम्परेचर होता है कि बैटरी में कितने सिग्नल्स, मतलब बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, उसका सिग्नल हमें बैटरी इंडिकेशन के उसमें दिखता है। बैटरी स्टेटस जो हमारे फ़ोन के राइट अपर कॉर्नर पे या लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे हमें बैटरी का जो इंडिकेशन मिलता है वो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो अभी के लेटेस्ट फ़ोन के अंदर अलग अलग बहुत सारी ICs होती हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टॉप करने के लिए जैसे पुराने फ़ोन में CPU से स्टॉप की लाइन के थ्रू कंट्रोल किया जाता था IC को इनेबल सिग्नल से, वैसे ही अभी के जो लेटेस्ट फ़ोन हैं तो उसमें बहुत सी ICs आती हैं। ज़्यादातर अभी आपको PMI IC, क्योंकि आजकल पावर IC भी फ़ोन में दो आने लगी हैं, तो PMI IC के थ्रू चार्जिंग की BSI लाइन हो या फिर उसके चार्जिंग को मतलब स्टॉप करना हो, तो सारे ही काम PMIC से होते हैं और इन सभी के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है CPU का होता है। तो इस तरह से हमारे फ़ोन का एक जो हमने ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी, तो इस तरह से हमारे फ़ोन की चार्जिंग IC जो है वो वर्क करती है। जैसे कि अभी हमने आपको इस Nokia 3310 का PCB दिखाया, तो इसमें हम सर्किट डायग्राम से समझ लेते हैं किस तरह से चार्जिंग के वोल्टेज इनपुट आउटपुट और बाकी कंट्रोलिंग्स होती हैं। तो देखिए ये यहाँ पर Nokia 3310 का स्कीमेटिक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जिंग IC है और यहाँ पर इसकी पावर IC है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्जर के वोल्टेज, जो चार्जर से जो वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसकी लाइन जो आप देख सकते हैं दो जगह पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एक सीधा यहाँ पर कुछ कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, फ्यूज़ में से होते हुए कॉइल में से, फिर कुछ कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, और एक रेजिस्टर में, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई फिर दो जगह जा चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर हम सीधे देखते हैं तो ये चार्जिंग IC में वी चार्ज, यहाँ पर मतलब वोल्टेज जो चार्जर के आ रहे हैं वो यहाँ पर इनपुट हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो VBAT कनेक्टेड है, जो कि जो बैटरी का वोल्टेज होता है पॉजिटिव का, यहाँ से आउटपुट हो जाते हैं। लेकिन बीच में जो दो जगह लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ से सीधे नीचे लाइन जा चुकी है दूसरे सर्किट में और कनेक्टर्स में। उसके अलावा जो यहाँ से रेजिस्टेंस से भी एक लाइन जो नीचे गई थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये घूम करके सीधे पावर IC के अंदर चली गई है आई चार्ज और वी चार्ज के नाम से, जिससे इस पावर IC को इंडिकेशन मिलता है कि चार्जर फ़ोन में कनेक्ट हुआ है। पावर IC
में जो वोल्टेज आते हैं वैसे, मतलब चार्जिंग आईसी में जो चार्जर के वोल्टेज इनपुट होते हैं उसकी एक लाइन पावर आईसी को भी दी जाती है, जिससे पावर आईसी को पता चल जाता है कि हमारे फ़ोन में चार्जिंग जो है, चार्जर जो है वो इनपुट हो गया है और चार्जिंग के वोल्टेजेस आए हैं। उसमें से ही एक लाइन जो है चार्जिंग कंट्रोल के लिए सीपीयू को भेज दी जाती है, जिससे सीपीयू इस पूरे चार्जिंग के सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर बैटरी के साथ कुछ इशू होता है, कुछ हीटिंग होती है या कुछ इशू होता है, तो सीपीयू जो है उसे स्टॉप, चार्जिंग को स्टॉप कर देता है और हमारे फ़ोन पर नॉट चार्जिंग का मैसेज आता है। और एक चार्जिंग कट का भी जो इस तरह से होता है, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसे भी इस चार्जिंग कट लाइन से कंट्रोल किया जाता है। देखिए नोकिया 3310 जो पीसीबी हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, जो कि आज से कम 15 साल पहले या इससे भी ज़्यादा समय पहले मार्केट में आया था, लेकिन उसकी भी जो चार्जिंग आईसी यहाँ पर जो हमने आपको दिखा रखी है इसमें हाईलाइट करके, उस चार्जिंग आईसी की में भी आप देख सकते हैं कि चार्जिंग आईसी के साथ में पावर आईसी भी पूरी कंट्रोल करती है वोल्टेज को और सीपीयू भी कंट्रोल करता है। ये देखिए, अब हम इसी नोकिया 3310 के मॉडल का आपको सीपीयू का स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये सीपीयू की जो कट की लाइन और जो सीपीयू चार्जिंग की जो कंट्रोलिंग की है, दोनों लाइन सीपीयू के पास आई है। यह देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल की लाइन जो वहाँ पर आपने देखी थी और एक चार्जिंग कट की लाइन आपने देखी थी, और ये जो चार्ज आईएम की लाइन यहाँ पर आपने देखी थी, आई चार्ज ये लाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सारी ही लाइन चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और सीपीयू इन सभी के पास होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चार्जिंग आईसी ही पूरे फ़ोन की चार्जिंग को कंट्रोल कर लेती है। अभी के लेटेस्ट फ़ोन में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बीक्यू आईसी आती है, जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, जो कि हमारे बैटरी से वोल्टेजेस लेके एक वीपीएस लाइन बना के पावर आईसी और बाकी आईसीज को सर्किट देती है, लेकिन साथ में ये चार्जिंग का भी काम करती है और यूएसबी के वोल्टेजेस पर भी कंट्रोलिंग करती है। देखिए जो बीक्यू आईसी होती है उसके पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, तो इस तरह से जो हमारे बीक्यू आईसी आती है जो कि 24 लैग की होती है, मतलब 24 पिन की आईसी होती है, उसके हर एक पिन का हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट का क्या काम होता है वो यहाँ पर बताया हुआ है, जिसे हम स्कीमेटिक डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस आईसी का सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से वर्क होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वी बस यूएसबी इन, मतलब जो हमारा यूएसबी सॉकेट होता है, उससे इस तरह से वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होते हैं पिन नंबर 1 और 24 पर, यहाँ पर लिखा हुआ है वी बस। और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये हमारे बैटरी के कनेक्टर से भी कनेक्ट होती है, चार्ज आउट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं, यहाँ से आउटपुट हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये और भी बहुत जगह पर पावर की सप्लाई भेजती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SDA और SCL जो कि I2C प्रोटोकॉल होता है, जो कि CPU से कनेक्टेड होता है, जिसमें डेटा रीड और राइट होता है, मतलब इस, देखिए इस DC टू DC IC पर भी, मतलब जो BQ IC है इसकी भी कंट्रोलिंग जो है इस SDA और SCL लाइन के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन CPU को भेजती है। इसके अलावा जो बाकी और लाइन होती है पावर आईसी को और अलग अलग आईसीज को या फ्यूल गेज आईसी है, जो भी सर्किट इसके अंदर होता है उसे सर्किट में अलग अलग वोल्टेजेस दे करके जो है बताया जाता है कि यहाँ पर यूएसबी से चार्जिंग के वोल्टेज इनपुट हुए हैं और आउटपुट हुए हैं। इसमें कहीं भी बैटरी से रिलेटेड या सर्किट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो चार्जिंग ऑफ हो जाती है, या फिर उसके अंदर बैटरी टेम्परेचर या फिर ओवर वोल्टेज, इस तरह के एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी जो अभी लेटेस्ट फ़ोन हैं उनके अंदर सर्किट्स और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने अभी आपको इस ब्लॉक डायग्राम से समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको मोबाइल में चार्जिंग आईसी किस तरह से वर्क करती है, जो कि हमने ओल्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन दोनों से आपको समझाने की कोशिश करी, इससे और भी ज़्यादा डीपली हम किस तरह से, मतलब चार्जिंग के फॉल्ट को रेक्टिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, इन सभी को हम ट्रेसिंग की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे इस आईसी आइडेंटिफिकेशन की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, उसमें हम आपको फुली डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से हमारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग जो होता है, मतलब चार्जिंग आईसी वोल्टेज को इनपुट आउटपुट जो करती है किस तरह से वर्क करती है, फॉल्ट किस तरह से टेक करते हैं, वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए जिन भी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि अभी वापस से जो कोरोना के जो ओमिक्रोन का जो अभी चल रहा है उस वजह से बहुत से हो सकता है कि क्लासेस में प्रॉब्लम हो आगे, तो जिन भी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो वो अभी ले सकते हैं। स्पेशली हमने 50 सीट्स की फिर एक बैच जो है अभी हम 10 जनवरी से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन भी लोगों को अगर अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है सॉफ्टवेयर की, EMMC की, हार्डवेयर की, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और इस चार्जिंग की वीडियो से हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, क्योंकि हमने इसमें आपको ओल्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन के ऊपर जो चार्जिंग किस तरह से काम करता है, वो चार्जिंग आईसी का सर्किट हमने आपको समझाने की कोशिश करी, और इन सभी की जानकारी जो है हम हमारी सीरीज़ में आगे धीरे धीरे करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।